विधानसभा के सभी सत्र संपन्न हो जाने के बाद चुनाव से ठीक पहले राजद ने अपने 3 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। दरभंगा के केवटी से विधायक डॉक्टर फराज फातमी को पार्टी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही विधायक फराज फातमी के पिता और राजद के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के साथ भी हुआ था। पार्टी ने उन्हें भी 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था। मिथिला लाइव से दूरभाष पर बात करते हुए विधायक फातमी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से इस फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें बेइज्जत करने की ये साजिश है। प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने अपने निष्कासन के कारणों के बारे में पूछा है। आगे की राजनीतिक कैरियर के बारे में बात करते हुए फराज फातमी ने कहा कि वे जल्द ही जनता के बीच जाएंगे और सबसे राय लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। जी, तो राजद ने आपको निष्कासित किया है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहले तो हंसी भी आती है और ताज्जुब भी होता है। ये अभी अभी जानकारी मुझे मिली है, कोई पीसी किया है हमारे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी ने। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि पहले तो प्रदेश अध्यक्ष जी ये जवाब दे मुझे कि कुछ महीने पहले वो खुद कह रहे थे कि मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, तो पार्टी से निष्कासित करने का मतलब कहाँ से हो गया? इसका मतलब ये है कि आप हमें सिर्फ बेइज्जत करना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे पिताजी और हमारे अब्बा को जिस तरीके से आपने बेइज्जत करके पार्टी से निकाला, जिन्होंने 30 साल इस पार्टी की सेवा की, उसी तरीके से आप हमको भी उसी तरीके से आप बेइज्जत करके निकालने का काम किया है आपने। तो आप पार्टी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ऐसे ऐसे लीडर जो अल्पसंख्यक लीडर हैं, जो उनको टारगेट करके आप सिर्फ और सिर्फ उनको खत्म करना चाहते हैं। और क्या किया आपने? एक आवाज उठाई थी, एक आवाज हमने उठाई, हमारे पिताजी ने उठाई कि गलत तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ, तो क्या पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के उनको निकाल देगी? किस तरीके से टिकट का बंटाधार हुआ, किस तरीके से टिकट को बेचा गया? कोई अगर बात उठाता है, कोई सही बात उठाता है, तो उस पर बात को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं बचा है, सारा डिसिप्लिन पास पर रख दिया गया है। अब वहाँ सिर्फ जो पूंजीपति है उसकी पार्टी रह गई है, गरीब की पार्टी समाप्त हो गई है, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी से। तो ये बहुत अफसोसनाक है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये तो बिहार केवटी की जनता और बिहार की जनता इनको जवाब देगी आने वाले कल के चुनाव में, और वहाँ के लोग इनसे पूछ लेंगे कि किस बुनियाद पे आपने मेरे विधायक को आपने एक्शन लिया है, हमारे फातमी साहब को निकाला, क्यों? कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आवाज उठा दी पार्टी के विरुद्ध जो काम हो रहा है या गलत काम हो रहा है पार्टी के अंदर। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और कोई बात नहीं, हम लोग लड़ने का काम करते हैं, हम लोग कभी पीछे नहीं हटते, लोगों की खिदमत किया है, हमेशा खिदमत करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे, आप घबराइए नहीं। तो आगे फराज फातमी, अब आगे की रणनीति क्या होगी फराज फातमी की? मैं सबसे मशवरा लूंगा पार्टी के, हमारे जो मेरे साथी हैं, मैं सब लोगों से मशवरा लेकर के कोई ना कोई डिसीजन जल्द लूंगा और निश्चित रूप से इसका आपको पता चल जाएगा। और इसका जवाब भी ये जो हमारे आरजेडी के परिवार जिन कहते हैं परिवारवाद को, उसको भी हमको जवाब देना है। वो जवाब इनको अभी नहीं मिलेगा, इनको जवाब इलेक्शन के समय में मिलेगा जब रिजल्ट आएगा बिहार का। अच्छा, चलेगा उस समय में। इसलिए मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं अपने तमाम लोगों के से संपर्क में हूँ, अपने साथियों के संपर्क में हूँ, सबसे मशवरा करके एक स्टेप लिया जाएगा और निश्चित रूप से इसका आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो क्या बहुत जल्दी फराज फातमी जनता के बीच नजर आएंगे? बहुत जल्द आएंगे और जल्द मैं सबके पास जाऊंगा, सबसे लूंगा मशवरा और ले करके मैं तुरंत इससे मैं एक्शन भी लूंगा। लेकिन आप ही हमको बता दीजिए कि हमने क्या गलती है, हमने कभी कुछ कहा और हम सही एक्शन ले लिया गया? ये तो जिस तरीके से हमारे अब्बा पे एक्शन लिया गया था, इस तरीके से हमको भी पार्टी ने निकाल दिया, कोई बात नहीं है हम लोग कोई, लेकिन किस वजह से निकाला उसकी जानकारी भी आपको है। और हम तो पार्टी के सदस्य ही नहीं थे जब हमारे हमें प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, तो बात ही वही खत्म हो गई। तो आज निकालने का मतलब कहाँ से हो गया? जब बात अगर इस तरह की है तो क्या आप इस निष्कासन को चैलेंज करने वाले हैं आगे? चैलेंज तो देखिए, जब सदस्य नहीं मुझे कहा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी, आप उनका एक पीसी निकाल के देख लीजिए 4 महीने पहले का, उन्होंने कह दिया कि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी, तो निष्कासन का कहां से मतलब हो गया? तो फराज फातमी ये दिखाता है कि इनको अपनी ही बात को याद नहीं कि हमने क्या कहा।
इनको अभी बात याद नहीं कि हमने क्या स्टेप लिया, तो बात वही खत्म हो जाती है कि ये जब पार्टी जब ध्वस्त होती है तो इसी यही सब परिणाम होता है, यही सब निष्कर्ष निकल के आता है और उसी तरफ ये पार्टी आगे बढ़ चुकी है। तो फराज फातमी को क्या लगता है कि राजद का कुनबा फराज फातमी के निष्कासन के बाद और बिखरेगा? देखिए तो आने वाला कल बताएगा भाईजान, मैं कैसे कहूँ। मैं तो सभी लोगों से संपर्क करूंगा, सबको बुलाऊंगा और सबसे राय मशवरा करके जो सही स्टेप लिया जाएगा जरूर लेंगे। आज दो और विधायकों को निकाला गया है आपके साथ ही, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दो और विधायकों का निष्कासन हुआ है? देखिए उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर बात कहूंगा क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। और निश्चित रूप से देखिए ये पार्टी नहीं है, ये फैमिली पार्टी है, ये पारिवारिक पार्टी है। यहाँ कोई नियम और कानून नहीं चलता है, यहाँ किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ एक परिवार चलाती है पार्टी को, पार्टी चल रही है। और जिस पार्टी के लिए नींव रखा हमारे अब्बा ने, जब उसको नहीं उनको नहीं जब उस पक्ष आ गया तो हम किस चीज की खेत की मूली, हमको भी हटा दिया गया पार्टी में, निकाल दिया, कोई बात नहीं। इसकी लड़ाई हम लोग क्षेत्र में लड़ेंगे, इसकी लड़ाई में चौटी में जाके लड़ूंगा, इसकी लड़ाई में पब्लिक के बीच में जाके लड़ूंगा और उन्हीं से जवाब मांगूंगा क्या करना चाहिए मुझे। जी